हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबीसी टेक 20 चैनल। आपके अपने आरबीसी टेक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात कर रहे हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम के बारे में। तो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। ऐसे में आपको बताना है कि इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। अभी आपको 10-15 दिन बचे हुए हैं, आपका ट्रिपल सी का अगस्त मंथ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन प्रति क्लिक मॉडल के आधार पर होता है? विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ बेस्ड ऑन एडवर्टाइजिंग पर क्लिक मॉडल? यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है आपका फीडबैक, रेफरल लिंक, सिग्नल या सर्च एडवर्टाइजिंग। तो इसमें से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? आपका इसमें से सही जवाब हो जाएगा एडवर्टाइजिंग, सर्च एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन इसी के साथ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रुपे कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया था? इसमें दोस्तों आपको बताना है कि रुपे कार्ड जो आपका जारी किया गया था वो किसके द्वारा जारी किया गया। यहाँ देख लीजिए, NPCI, SBI, RBI या नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा आपका? रुपे कार्ड जो जारी किया गया था वो NPCI के द्वारा जारी किया गया था। इसमें से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI का फुल फॉर्म भी होता है। तो चलिए देखते हैं अब आज का अगला क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपका, टिफ का फुल फॉर्म क्या होता है? टेक्स्ट इमेज फाइल फॉर्मेट, ऑप्शन बी टेक्स्ट इमेज फॉन्ट फाइल, या ऑप्शन सी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है सही कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट टिफ का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्ति के प्रतिनिधित्व करता है? इसमें आपको बताना है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? अगर आपको रो यहाँ पे दर्शाना है तो इसमें से कौन सा है जो आपका रो को दर्शाता है? यहाँ देख लीजिए, परसेंटेज है एट द रेट, इनमें से कोई नहीं, 1, 2, 3 या ABC, किसके माध्यम से आप जो है रो को रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ राइट हो जाएगा। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ राइट, 1, 2, 3 इस्तेमाल किया जाता है रो को लिखने के लिए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिंकडिन के फाउंडर कौन है? यहाँ पे दिया गया है आपको लिंकडिन के फाउंडर बताना है। तो लिंकडिन के फाउंडर जो है कौन है? ऑप्शन डी इज़ राइट हो जाएगा यहाँ पे, रीड हॉफमैन जो है लिंकडिन के फाउंडर हैं। यहाँ पे दिया गया था लैरी पेज, विजय शेखर शर्मा, स्टीव जॉब्स और रीड हॉफमैन। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑनलाइन पर्यावरण से संबंधित उचित और नैतिक व्यवहार की खोज को कहा जाता है? टू पर द परस्यूट ऑफ फेयर एंड एथिकल बिहेवियर रिलेटेड टू द ऑनलाइन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया है आपके पास में, साइबर सेफ्टी, साइबर लॉ, साइबर एथिक्स या साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा, साइबर एथिक्स कहा जाता है ऑनलाइन पर्यावरण से संबंधित जितने भी उचित और नैतिक व्यवहार की खोज के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे साइबर एथिक्स कहा जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इज़ करेक्ट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जानते हैं? वर्ड, MS वर्ड, राइटर या वर्ड पैड? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट होगा, राइटर के नाम से जो है जाना जाता है ऑप्शन लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा को सबसे पहले प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था? अब यहाँ पे आपको दोस्तों बताना है कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज फर्स्ट यूज टू राइट प्रोग्राम? सोर्स कोड, नन ऑफ दीज, असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन डी इज़ राइट हो जाएगा। कौन सा सही जवाब होगा? मशीन लैंग्वेज, यहाँ ऑप्शन डी इज़ राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी के साथ में अगला क्वेश्चन। डेटा को कॉलम में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? नेम ऑफ द फंक्शन दैट डिस्प्लेज रो डेटा इन ए कॉलम आर कॉलम डेटा इन ए रो। इसमें देख लीजिए सही जवाब क्या होगा, कॉलम, ट्रांसपोज, ट्रंक या राउंड, इसमें से कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा? तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ट्रांसपोज, ऑप्शन जो है यहाँ पे बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क के किस मेनू में कमेंट विकल्प मौजूद होता है? इसमें आपको बताना है कि जो कमेंट का ऑप्शन है वो आपके किस मेनू में होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क कमेंट ऑप्शन इज प्रेजेंट। तो कमेंट ऑप्शन दोस्तों कहाँ पे होगा? फॉर्मेट, इंसर्ट, व्यू या डेटा? तो आपका जो कमेंट होता है वो इंसर्ट के अंदर होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। इंसर्ट मेनू के अंदर जो है आपका कमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। चलिए इसी के साथ में देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईमेल के माध्यम से फाइलें भेजी जाती हैं? इसमें आपको बताना है दोस्तों कि जो ईमेल भेजी जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल आर सेंट थ्रू ईमेल। जो हम फाइल भेजते हैं ईमेल के द्वारा, वो कैसे भेजते हैं? डाउनलोड करके, फॉरवर्ड करके या अपलोड करके या अटैचमेंट करके? तो हमें जो फाइलें भेजनी होती वो हम कैसे भेजेंगे? अटैचमेंट करके। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पहले हम फाइल अटैच करेंगे फिर उसको सेंड करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग बारीकी से समझिए और इनको सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन डालने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंटर फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? इसमें देख लीजिए, Ctrl+F3, Shift+F3 या Shift+F2 या Ctrl+F2? तो यहाँ ऑप्शन डी इज़ राइट हो जाएगा। Ctrl+F2 का इस्तेमाल किया जाता है फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए, फंक्शन को जो है इंसर्ट करने के लिए। चलिए देखते हैं इसी के साथ में अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई कॉमर्स से संबंधित नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि ई कॉमर्स से संबंधित कौन सा नहीं है? अलीबाबा, पेटीएम, अमेजॉन, इन्फोसिस। तो बाकी जितनी भी दिख रही हैं ए बी सी, ये सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा, इन्फोसिस। ये आपका जो है ई कॉमर्स से संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। OLX निम्नलिखित में से OLX किस मॉडल पर आधारित है? विच ऑफ द फॉलोइंग OLX व्हाट मॉडल इज़ बेस्ड ऑन? B2C, B2B या C2C या C2B? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आपका? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। C2C का मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। OLX मॉडल जो है C2C पे बेस्ड है। चलिए देखते हैं इसी के साथ में अब अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल? ODP, .odc या .doc या .ext या .com? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। .odp जो है लिब्रे ऑफिस का फाइल का डिफॉल्ट, इम्प्रेस का जो है डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। प्राप्तकर्ता के पास ईमेल ना जाने पर कौन सा मेल वापस आता है? इसमें आपको बताना है कि अगर हम ईमेल सेंड कर रहे हैं और वो मेल जो है जिसके पास भेज रहे हैं उसके पास नहीं गया तो क्या होगा? कंपोज मेल, बाउंस मेल, बैक मेल या रिटर्न मेल? तो कौन सी मेल वापस आएगी? यहाँ पे आपका बाउंस मेल आता है। उसको क्या कहा जाता है? जो रिटर्न हो जा मेल आ जाती है उसे बाउंस मेल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो जाएगा, बाउंस मेल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में डोनेट टू लिब्रे ऑफिस का कमांड किस मेनू में मौजूद होता है? इसमें आपको बताना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू द डोनेट टू लिब्रे ऑफिस कमांड इज प्रेजेंट इन लिब्रे ऑफिस? हेल्प मेनू के अंदर, व्यू मेनू के अंदर या फॉर्मेट या टूल्स? किस मेनू के अंदर होगा? तो जो है हेल्प के अंदर जो है होता है, डोनेट टू लिब्रे ऑफिस का कमांड हेल्प मेनू के अंदर होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। गूगल मेल में अधिकतम कितनी स्टोरेज क्षमता हमें फ्री में प्रदान की जाती है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइडेड टू अस फॉर फ्री इन गूगल मेल? तो इसमें देख लीजिए, दिया गया है कि 15 GB, 25 GB, 5 GB या 10 GB। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा, 15 GB यहाँ पे स्पेस हमें प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? बाई होम वॉज द डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES डिजाइंड? इंटेल के थ्रू, IBM, HP या माइक्रोसॉफ्ट? कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को डेवलप किया था? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, IBM के थ्रू जो है ये डिजाइन किया गया था DES का स्टैंडर्ड जो है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संदेश के विषय में शामिल होता है? अगर आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज, अगर हम मैसेज किसी को भेज रहे हैं तो उसके सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे? ओनली इमेज, इमेज, टेक्स्ट, बोथ टेक्स्ट एंड इमेज। तो अगर हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो ये किस फॉर्मेट में होगा? टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सी इज करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट के फॉर्मेट में हम किसी विषय का सब्जेक्ट लिखते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी इज राइट होगा। यहाँ देख लीजिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21। फैट का फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल होता है। द फुल फॉर्म ऑफ फैट इज फाइल एलोकेशन टेबल। दोस्तों इसमें देख लीजिए तो ये ऑप्शन ए फॉल्स दिया गया है और जो है बी ट्रू दिया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आपका? ये बिल्कुल सही है, फैट का फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल ही होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ जो है आप लोग तैयारी करते रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए जितना आपको समय मिला है। जैसे मान लीजिए 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आप लोगों के नंबर अच्छे आएँ और मार्क्स भी अच्छे रहें। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार फ्रेंड्स।